नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देख न्यूज में। बीते शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्में एक साथ रिलीज हुई। नुसरत भरूचा की जनहित में जारी कन्नड़ फिल्म 777 चार्ली और हॉलीवुड की फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, जिनमें से रिलीज होने के तीसरे दिन कौन सी फिल्म ने बाजी मारी और कौन सी फिल्म फिसड्डी साबित हुई, आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। बता दें कि पहले ही दिन जनहित में जारी दर्शकों को अपनी ओर खींचने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। वहीं 777 चार्ली और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 को रिलीज हुए चौथा हफ्ता चल रहा है। यह फिल्म नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। तो आइए जानते हैं कि फिल्म ने अपनी झोली में कितने करोड़ झटके हैं। सबसे पहले बात करते हैं 777 चार्ली की। रक्षित शेट्टी की फिल्म की बात करें तो पहले दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6.27 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 7.87 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म के तीसरे दिन की कमाई की बात करें तो 777 चार्ली ने सभी भाषाओं में 10.1 करोड़ का कारोबार किया है। उम्मीद की जा रही है कि चौथे दिन ये फिल्म करीब 4.80 करोड़ अपनी झोली में झटक सकती है। अब बात कर लेते हैं जनहित में जारी की। जनहित में जारी भले ही सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म हो और सोशल टैबू को तोड़ती हो, लेकिन ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप नहीं छोड़ पा रही। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने मात्र 43 लाख रुपए का बिजनेस किया है। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने रफ्तार पकड़ी तो 70 लाख का कलेक्शन किया। चौथे दिन की बात करें तो इस फिल्म ने बहुत धीमी रफ्तार से मात्र 39 लाख रुपए की कमाई की है। अब तक इस फिल्म का कुल कारोबार 2.58 करोड़ रुपए हो चुका है। अब आ जाती है तीसरी और लास्ट मूवी, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ने रिलीज के पांचवें दिन 3.34 करोड़ का बिजनेस किया है। रिलीज के पहले ही दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी। भारत में जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का अब तक का कुल कलेक्शन 8.5 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल देख न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।